नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है? तो कैसे मेजर कर सकते हैं, टेक अ थ्रेड, ठीक है, एक थ्रेड लेंगे और उसको प्लेस करेंगे इसके साथ में, इसके प्लेस अलोंग द कर्व, उसको प्लेस करते जाएंगे लाइक दिस. यहाँ पे एक थ्रेड यहाँ रखेंगे, उसकी नॉट बनाते जाएंगे आगे आगे, जस्ट प्लेस इट अलोंग, इट हैज टू ओवरलैप द कर्व. मैं यहाँ बना रही हूँ अलग से ताकि आप लोग को दिख जाए, ठीक है? सो इट हैज टू ओवरलैप द कर्व. नाउ मूव अलोंग दिस लाइन, इस तरीके से इसको रखते जाएंगे अलोंग द कर्व. यहाँ पे रखा, दिस इज द फाइनल नॉट दैट यू आर गेटिंग. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ स्केल एंड कीप दिस थ्रेड स्ट्रेट अलोंग द स्केल, इस थ्रेड को स्ट्रेट कर दो, सो यू गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नॉट, इन दो नॉट्स के बीच में आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, सो फाइनली यू विल गेट द लेंथ ऑफ दिस कर्व. इज दिस क्लियर? समझ आया क्लास? इज इट क्लियर? हमने क्या किया यहाँ पे, सपोज यू हैव टू मेजर, मैं आपको करके बताती हूँ ये वाली एक्टिविटी, ठीक है? आई जस्ट शो दिस एक्टिविटी टू यू. यू हैव टू मेजर दिस कर्व, ये कर्व आपको मेजर करना है, ठीक है? ये मेजर करना है, कैसे करेंगे? डायरेक्टली स्केल रख देंगे तो यू नॉट गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो तो छोटा बताएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करोगे तो सिर्फ वो लाइन का डिस्टेंस बताएगा, इस पूरे कर्व का नहीं बताएगा. कर्व का कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड. हाँ सी क्लास, हियर आई हैव टेकन अ लीड, आपको दिख रहा है ये थ्रेड, इसलिए नहीं ले रही हूँ कि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? सो आई एम टेकिंग दिस लीड, मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है कि कर्व की लेंथ कितनी है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताने के लिए लाइन जो होती है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन वो सही लेंथ नहीं बताएगा इस कर्व की, तो मुझे कर्व की पता करनी है, तो मैं क्या करूंगी, एक थ्रेड, सपोज ये लीड मेरा थ्रेड है, ये थ्रेड लिया और इसका एक एंड मैंने यहाँ पे रख दिया, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट माई रीडिंग, यहाँ पे रखा अलोंग दिस पॉइंट, और इसको मैं ऐसे ऐसे अलोंग दिस कर्व चलाती जा रही हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ गया फाइनल, लास्ट जो है मेरा पॉइंट यहाँ पे आया था इस जगह, ठीक है, जहां मैंने हाथ रख रखा है एट दिस पॉइंट. अब क्या करो, इसको स्ट्रेट कर दो और आप इसको यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर जहां मैंने ये पकड़ रखा है वहां मार्क कर दो या नॉट बांध दो और इसको स्ट्रेट मेजर कर लो. समझ आया क्या किया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टू ईच वन ऑफ यू? दोबारा बता देती हूँ, सपोज ये पॉइंट है, यहां से यहां तक आपको ये कर्व मेजर करना है, क्या करो, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट नॉट बना दो एक थ्रेड में, यहाँ रखा अलोंग दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, और थ्रेड को चलाते जाओ ऑन दिस कर्व, ठीक है? इस तरीके से यहां से लेकर हम यहां तक आ गए, दिस इज द फाइनल पॉइंट दैट आई एम गेटिंग टिल हेयर. अब इसको सीधा करके इसकी लेंथ मेजर कर लो, इसको यहाँ सीधा करो और इसकी लेंथ मेजर कर लो यूजिंग स्केल, ठीक है? वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, डिवाइडर यूज करके करेंगे. आई डोंट हैव अ डिवाइडर राइट नाउ, मैं आपको फिंगर्स से बताती हूँ मेरी, सपोज दिस इज अ डिवाइडर, सेकेंड एक्टिविटी है ये, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ. ये कर्व मुझे मेजर करना है, थोड़ा मोटा बना रही हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए, ठीक है?
सा ये मैंने फिल कर दिया है, बीच में प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है इतना, फिल कर दिया ताकि आप लोग को समझ आ जाए दिस इज द कर्व दैट आई एम ट्राइंग टू मेजर। देखो ये कर्व मुझे मेजर करना है, क्या करूं मैं, एक डिवाइडर लो, डिवाइडर के ऐसे दो लेग्स होते हैं ठीक है, ऐसा होता है ना आपका डिवाइडर इस तरीके से, तो डिवाइडर लो उसको स्केल से एक फिक्स डिस्टेंस तक खोल दो उसके लेग्स को इस तरीके से, सपोज स्केल पे रखना और देखना जैसे बुक में 2 सेंटीमीटर ले रखा है, इस तरीके से आपने 2 सेंटीमीटर तक उसको वाइड किया ठीक है। प्लेस द फर्स्ट लेग ऑन टू द पॉइंट वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट, यहाँ पे रखा और 2 सेंटीमीटर से मैंने सेकेंड पॉइंट, मैंने फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो ये था जहां मैंने रखा था, सेकेंड पॉइंट मैंने ये मार्क कर दिया, तो ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। अब क्या करो, पॉइंट्स में बनाती जा रही हूँ, साथ में आपको पॉइंट इंप्रेशन वहां पे दिखेगा पेज पे अगर करोगे तो। यहाँ पे तो मैं पॉइंट बना दे रही हूँ ताकि दिख जाए क्लियरली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, इज इट विजिबल, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से था, अब इसको रोटेट कर दो, मतलब फ्रॉम हियर मार्क द थर्ड पॉइंट इस तरीके से, इसको फिर रोटेट करो मार्क द फोर्थ पॉइंट, देन रोटेट इट अगेन, फिफ्थ, सिक्स, लाइक दिस, सेवन, रोटेट करते जाना, मैं मूव करती जा रही हूँ, एट, नाइन, टेन एंड फाइनली 11। देखो मेरी ये पॉइंट्स बनते गए, कॉपी में पेज पे अगर आप करेंगे तो एक इम्प्रेशन वहां बन जाएगा, कंपस रखते हो तो इम्प्रेशन बनता है ना वहां पे, इस तरीके से ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो अब हमको पता है कि ईच ऑफ दिस डिविजन इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मैंने खोला था इसको डिवाइडर को, सो वी नो दैट ईच ऑफ दिस डिविजन इज 2 सेंटीमीटर, इफ वन डिविजन इज 2 सेंटीमीटर वाइड, हाउ वाइड वुड बी दिस एंटायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिविजन्स, 10 डिविजन्स कितने ज्यादा डिस्टेंस के होंगे, एक डिविजन मेरा 2 सेंटीमीटर का है, वन डिविजन इज 2 सेंटीमीटर वाइड, देन व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ दीज 10 डिविजन्स, 10 डिविजन्स की कितनी होंगी, 2 into 10 यूजिंग यूनिटरी मेथड कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, दैट वुड बी द लेंथ ऑफ योर कर्व, इज इट क्लियर, ये एक्टिविटी सबको समझ आया, हाँ वेरी गुड, इट विल बी 20 ठीक है, एक वन डिविजन इज 2 सेंटीमीटर वाइड, देन दिस इज टू, 2 + 2 + 2 + 2 एंड देन टिल 10 डिविजन, तो दैट विल बी 2 into 10, दैट इज 20 सेंटीमीटर। Is it clear how to measure the curves? Both the activities are clear to all of you? Okay, now should we move ahead? आगे बढ़े इसमें? Now the next topic is motion. Motion क्या बताया था मैंने? What is motion? Answer all of you. Answer in your comment section. What is motion? I explained yesterday. Definition मैंने आपको बताया था. What is motion? All of you answer fast. Let me see who answers first. What is motion? ऑल ऑफ यू नो द आंसर, कल हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको चैप्टर रीड करने को भी बोला था, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, मोशन कैन बी सीन एनीवेयर यार, बट डेफिनेशन इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या वेरी गुड मनीष, मोशन इज द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू टू अनदर,
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस, इनिशियली इट इज प्लेस्ड एट दिस लोकेशन एंड नाउ इट इज गोइंग टू दिस प्लेस, ठीक है, तो दिस इज द मोशन, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इज इट क्लियर? सो मोशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन, द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ मोशन. Types of motion. So the first one is linear or rectilinear motion. The first one is linear or rectilinear motion. Rectilinear motion. That's your first type of motion. Okay. Look into your books, page number 153. So it is an object is said to be in linear or rectilinear motion if it moves from one position to another along with straight line in one direction only. So when I'm saying rectilinear motion or linear motion, that means motion in a straight line. ठीक है, देखो ये दो पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है. नाउ सी, if an object is moving from point A to B, there are several ways, there are multiple ways in which this can be done, like object can go like this also, ठीक है, object इस तरीके से भी जा सकता है, यहाँ से ऐसा कुछ curved path लेके, isn't it, यहाँ से जा रहा है कुछ इस तरीके से भी जा सकता है, ऐसे करके कैसे भी जा सकता है, but if द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तो ये हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन. दैट मीन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ए इज लेट्स से सम ऑब्जेक्ट ओ इज देयर एट पॉइंट ए, तो ओ इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से जा रहा है, दैट टू इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, इज इट क्लियर? सो द एग्जाम्पल्स आर एन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल लाइक बाइसिकल, कार, बस, स्कूटर एटसेट्रा मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, देन अ बटालियन मूविंग इन अ परेड, देन अ एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, अ स्ट्राइकर हिटिंग अ कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पे कॉइन मार रहा है वो, इस तरीके से दैट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन, बाइसिकल जा रही है विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन इफ वी आर फॉलोइंग ए स्ट्रेट पाथ, इजंट इट, सीधे जा रहे हैं तो फिर दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन. एप्पल, कुछ भी स्टोन आपने बिल्डिंग से गिराया है, इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, इजंट इट, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सीधे नीचे गिर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, नाउ कर्विलिनियर और रैंडम मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन कर्विलिनियर और रैंडम मोशन इफ इट चेंजेस डायरेक्शन इन अ इरेग्युलर मैनर, इनरेगुलर मैनर में वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट इज योर कर्विलिनियर और रैंडम मोशन. कौन सा वाला होगा इनमें से, जैसे कि सपोज ये बी वाला, मैंने ये ब्लैक पेन से जो बनाया, इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट इज फॉलोइंग सम अदर कर्व, कैसे भी जा रहा है वो, तो दैट इज अ रैंडम मोशन, इजंट इट. बटरफ्लाई उड़ती है जिगजैग मोशन में, कोई पार्टिकल एयर में आपने देखा होगा, पार्टिकल जिगजैग मोशन में चलते रहते हैं, ठीक है, जब धूप आती है कहीं पे तो आपने पार्टिकल्स देखे होंगे, आप फूंक मारोगे तो ऐसे ऐसे कहीं भी चलने लग जाएंगे, जिगजैग मोशन. सो दीज आर काइंड ऑफ रेक्टिलिनियर और रैंडम मोशंस इन विच पार्टिकल इज मूविंग इन अ रैंडम फैशन, राइट, देयर इज नो प्री डिफाइंड पाथ ऑन विच इट इज फॉलोइंग लाइक अ पर्टिकुलर पैटर्न, नो, इट इज मूविंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन, सो दैट इज योर रैंडम मोशन और कर्विलिनियर मोशन. ठीक है, द नेक्स्ट वन पेज नंबर 154, दैट इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में क्या आएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन अ सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस और अराउंड अराउंड अ फिक्स सेंटर. चलो ये वाला देखते हैं, दो तरीके से होगा सर्कुलर मोशन, एक एग्जांपल तो आप ऐसे देख लो, सपोज ये सेंटर है और ये सर्किल है, ठीक है, नाउ मेरा लुक एट माय पेन, मेरा पेन देखो इस सर्किल के अबाउट एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, ये सेंटर है, मैंने यहाँ सेंटर से
इस तरीके से पेन को घुमाया अपना इस सर्कुलर डायरेक्शन में, इस सेंटर से एक फिक्स पॉइंट पे मैं घुमाती गई, सो दैट इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड अ फिक्स सेंटर. फिक्स सेंटर के अराउंड ही मूव करता है मेरा पेन, एंड सो इज माय हैंड इज मूविंग, हैंड इज आल्सो मूविंग, सो दैट इज योर सर्कुलर मोशन. ठीक है, ये हो गया सर्कुलर मोशन. दूसरा एग्जांपल है, इट इज मूविंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. जैसे कि आपने फैन में देखा होगा, आपका फैन क्या है, एक एक्सिस होती है इस तरीके से. हाँ, कुछ इस तरीके से होता है आपका फैन. दिस इज द एक्सिस अलोंग विच इट इज मूविंग. इस तरीके से एक ही एक्सिस पे घूम रहा है. जैसे कि ये मेरा पेन है, सपोज यहाँ जो इसकी ये जो टिप आ रही है, निब जो होती है इसकी, ये एक्सिस मान लो पूरे पेन की ये एक्सिस है. ठीक है, यहाँ मैंने इसको रख दिया और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है. तो इट इज मूविंग ऑन अ फिक्स एक्सिस. जैसे कि अर्थ होती है, अर्थ भी क्या है अपने फिक्स एक्सिस पे रोटेशन करती है इस तरीके से. सो इट इज मूविंग ऑन अ फिक्स एक्सिस. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आइदर इट कैन रिवॉल्व ऑन अ सर्कुलर पाथ, अर्थ जैसे सन के चारों चक्कर लगाती है वो भी सर्कुलर मोशन है, और अपने एक्सिस पे रोटेट करती है दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन. इज इट क्लियर क्लास? एग्जाम्पल क्या है इसका, मूविंग फैन एंड विंडमिल, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड अराउंड द सन. अपनी ही एक्सिस पे घूमने को क्या बोलते हैं, रोटेशन. एंड मूविंग अराउंड द सन इज योर रेवोल्यूशन. ठीक है, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. देन मूवमेंट ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप इस तरीके से घूमता है दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन. देन स्विंग्स लाइक मेरी गो राउंड इस तरीके से घूमेगा वो भी. तो क्या है ये सर, सर्कुलर मोशन है. इज इट क्लियर क्लास? नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्कुलर योर ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होता है आपका जैसे कि पेंडुलम में होता है. यू माइट हैव सीन पेंडुलम समवेयर, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पेंडुलम किस तरीके से मूव करता है. एक फिक्स पॉइंट होता है, देखो यहाँ से मैंने एक पेंडुलम लगा रखा है ये कुछ इस तरीके से. ठीक है, पेंडुलम मैं आपको बना के बता सकती हूँ, गिव मी अ सेकेंड. हाँ एक सेकेंड रुकना क्लास. चलो ये देख लो, चार्जर है. ठीक है, ये चार्जर है. किस तरीके से मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है इसको, ऊपर से कुछ ऐसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है. तो ये पेंडुलम कैसे एक्ट करेगा, ये इसकी मेन पोजीशन है जहां पे ये इनिशियली रुका हुआ है, इट इज एट रेस्ट. अभी ये रेस्ट पे है, दिस इज द मेन पोजीशन. जैसे ही मैं इसको मूव करूंगी तो ये इस तरीके से चल रहा है, मतलब इट इज मूविंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन टू एंड फ्रो. फॉरवर्ड जा रहा है, फिर बैकवर्ड आ रहा है, फिर फॉरवर्ड आ रहा है, फिर बैकवर्ड आ रहा है. कैसे, मेन पोजीशन है, यहाँ से ये आगे गया फॉरवर्ड, वापस मेन पोजीशन पे आया, बैकवर्ड गया और फिर वापस मेन पोजीशन पे आया. सो दिस इज द टू एंड फ्रो मूवमेंट. ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, कुछ देर चलेगा और अपने आप रेस्ट पे आ जाएगा. सो दिस इज अ पेंडुलम. ठीक है, दिस इज योर ऑसिलेटरी मोशन. मतलब पहले यहाँ पे था, दिस इज द मेन पोजिशन, एमपी लिख रही हूँ मैं इसको, मेन पोजिशन. यहाँ से ये एक डायरेक्शन में गया फॉरवर्ड, फिर मीन यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ आया और यहाँ से अब यहाँ जाएगा इस तरीके से, और फिर वापस यहाँ पे आया. सो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, तो ये होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन और वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अबाउट इट्स मेन पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. एग्जांपल क्या है, मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम और स्विंग. झूला भी आप झूलते हो तो क्या करते हो, झूले में बैठे
यहाँ से आगे गए, फिर मेन पोजीशन पे, फिर पीछे गए, फिर आगे आए, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, किसी चीज में जल्दी जल्दी टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि आप रबर बैंड है, रबर बैंड को पकड़ के इस तरीके से करते हैं तो वो इस तरीके से वाइब्रेट होने लगता है जल्दी जल्दी, है ना। तो ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है किसका, वाइब्रेटरी मोशन का, जल्दी जल्दी जिसमें फास्ट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो जैसे कि गिटार, गिटार की स्ट्रिंग्स है, कोई भी आप ये मैंने बजाया, आपको आवाज आई, क्यों आई, क्योंकि इसके भी पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं वहां पे, है ना, तभी आपको वाइब्रेशन सुनाई देगा। तो तबला बजाते हैं हम, तबले में भी क्या है, उसका जो ऊपर का जो फ्लैप है वो वाइब्रेट होता है। इसी तरीके से आपकी गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग्स भी सब वाइब्रेट होती है। सो वाइब्रेटरी मोशन इज नथिंग बट द फास्ट टू एंड फ्रो मोशन और फास्ट ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज योर वाइब्रेटरी मोशन। समझ आया सबको ये? क्लास इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, दैट विल डिस्कस टुमारो। आप ये चैप्टर को तब तक अच्छे से रीड करना, एंड ऑन योर ग्रुप आई हैव सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 7। चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स डिटेल वाले मैंने आपको पहले भेज दिए थे, अभी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और वन वर्ड एक्सरसाइज भेजी है। तो डू दोस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी एंड वन वर्ड एक्सरसाइज इन योर बुक्स। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू क्लास।
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।